Assalamu alaikum, dear students. Habib Niazi with O level physics. We were discussing about magnetism and today we will discuss the application of magnetism. और हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. वो डिवाइस है डीसी मोटर. डीसी मोटर स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट मोटर. ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. और साथ ही जो कैम्ब्रिज में पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर, एसी मोटर भी होती है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर, लेकिन हमारे कॉन्टेंट्स के अंदर, हमारे कोर्स में डायरेक्ट करंट मोटर है. डीसी मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हैव अ लुक, हियर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट इस कंडक्टर के अंदर जा रही है. जब इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी तो वो कंडक्टर मूव करेगा और ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये डीसी मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि अगर एक करंट कैरियिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है. लेकिन यहां हमने एक वायर, पीस ऑफ वायर यूज नहीं किया. अगर हम लूप ऑफ वायर यूज कर लें, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहां पे लूप ऑफ वायर मीन रेक्टेंगुलर कॉयल की फॉर्म में हमने एक कंडक्टर रखा. तो जैसे ही ये इसके अंदर से करंट पास होगा, इसकी दो साइड्स पे फोर्स लगेगी. दोनों साइड्स पे लगने वाली फोर्सेस कपल बनाएगी. कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब लगती हैं तो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, कंडक्टर रोटेट करता है. इस तरह जब करंट कैरियिंग कंडक्टर, मैं रिपीट करता हूं, व्हेन अ करंट कैरियिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टर और करंट कैरियिंग रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट कॉयल विल एक्सपीरियंस अ कपल आ टर्निंग फोर्स ड्यू टू विच कॉयल विल स्टार्ट रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. डीसी मोटर जो है इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है. डीसी मोटर हमारे होम अप्लाइंसेस में यूज होती है, स्पेशली जो टॉय कार्स होती हैं उनमें डीसी मोटर यूज होती है, जिसकी वजह से वो टॉय कार्स जो हैं वो आगे मूव करती हैं. हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया, अब हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने. देखें जी, जिस तरह ये बात डिस्कस हो चुकी है कि व्हेन अ करंट कैरियिंग लूप ऑफ वायर, या मैं कह सकता हूं व्हेन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर, करंट कैरियिंग रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फोर्सेस विल एक्ट ऑन इट्स टू डिफरेंट साइड्स, दीज टू फोर्सेस विल मेक अ कपल एंड दीज टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इन द कॉयल. और उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. देखते हैं कि ऐसा क्यों है. अगर मैं इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ. ये बात हो गई, ओके. अब हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है. यहां पे लूप ऑफ वायर को मैं अगर नाम दे दूं, ए बी सी और डी, तो आप देखें करंट कहां से एंटर हो रहा है, इस साइड से एंटर हो रहा है और साइड डीसी में करंट जा रहा है, ये जा रहा है करंट. इसी तरह साइड बीसी में करंट की डायरेक्शन ये है और बी ए में करंट की डायरेक्शन ये है. फिर
फिर करंट इस साइड से आता हुआ यहां से बाहर चला जाता है। एक फोर्स इस साइड पे लगेगी सीडी साइड पे और एक फोर्स लगेगी एबी साइड पे। एबी साइड पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और सीडी साइड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो हम अप्लाई करेंगे। अब सवाल ये है कि रेक्टेंगुलर कॉइल की तो फोर साइड हैं, एक है ए बी साइड, ए डी साइड ये वाली, एक है डी सी, एक है सी बी और एक है ए बी और बी ए। तो सवाल ये है कि जो फोर्स है वो इस साइड पे और इस साइड पे क्यों लगती है, इस साइड पे क्यों नहीं लगती? देखें, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि व्हेन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स विल एक्ट ऑन इट। फोर्स उस पार्ट पे लगती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, परपेंडिकुलर हो दोनों। यहां पे देखें, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर, यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, ये दोनों हैं जनाब एंटी पैरेलल, तो इन साइड इस साइड पे फोर्स नहीं लगती। इसी तरह ये है करंट की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों पैरेलल हैं तो साइड जो है ए डी यहां भी फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स सिर्फ साइड डी सी और साइड ए बी पे लगेगी। क्यों लगेगी इन साइड्स पे? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये बात तो डन हो गई कि दो साइड्स पे फोर्स लगनी है। अब हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसी के ऊपर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें जी, लेफ्ट हैंड अपना आपने निकालना है, राइट हैंड नहीं निकाल लेना। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इस लूप पे लगाते हैं, लूप ए बी पे लेफ्ट हैंड लगाते हैं, लूप ए बी पे, ए बी साइड पे ये सिगमेंट है एक छोटा सा, फिर हम सी डी पे लगाएंगे। लुक, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये है, ये है डायरेक्शन ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर लूं तो जो थंब है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लुक, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द स्ट्रेच थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है, यहां पे लगाते हैं जी सी डी साइड पे। लेफ्ट हैंड निकालना है आपने, डायरेक्शन ऑफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है, इसी साइड पे खड़े होंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड। एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस कपल बनाएंगे और इसको रोटेट करेंगी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन बन जाएगी रोटेशन की। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और ये बना हुआ है एक्सिस, एक्सल बना हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पी के उसे डिनोट कर सकते हैं। इसके अराउंड टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट टॉर्क होता है, टॉर्क से डिनोट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है, और जो कपल का जो डिस्टेंस होता है वो फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये फोर्स 3 न्यूटन की है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो एक खास डिस्टेंस होता है जिसकी हम वैल्यू आगे पढ़ेंगे, ये डी है, तो जब हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टॉर्क टोटल निकल आएगा। हम इससे आगे चलते हैं,
ये आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर है। इस टेक्स्ट बुक की फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। एक स्टिफ लूप ऑफ वायर है ए बी सी डी, इसको परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा गया है और ये है एक्सल एक्सिस है जिसके अराउंड इसने रोटेट करना है। टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी जिसकी वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक स्टिफ लूप लूप ऑफ वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो लूप ऑफ वायर के ऊपर टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं हम वो डिस्कस करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस पीस सेगमेंट ऑफ लूप सेगमेंट ऑफ वायर ए बी। करंट इज गोइंग अपवर्ड। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जब स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कल्स की फॉर्म में होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। इसी तरह इनके भी कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगे क्योंकि ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड रूल से ग्रैस द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट स्ट्रेच थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ये बात ओके हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आ रहा होता है किस वजह से आ रहा होता है, करंट जो है वो इनटू द वायर होती है, इनटू द पेज, जहां पे करंट आउट ऑफ द पेज। ये दो साइड्स हैं, इनका मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा दिया। अब सवाल ये है कि फोर्स क्यों लगती है, कैसे लगती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती हैं। इनको नेक्स्ट स्लाइड के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक्चुअल कंडीशन आ गई फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे कि दो वायर्स थी, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा, वायर की दो साइड्स थी, एक साइड पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो एंटी क्लॉकवाइज बना था। ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और एक वायर थी, वायर की साइड थी सी डी, ये कौन सी साइड थी हम प्रीवियसली स्लाइड को देखते हैं। स्लाइड्स देखें जी प्रीवियस, एक साइड ए बी है और ये साइड देखें, इसमें करंट ऊपर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये साइड है हमारी ए बी। और दूसरी साइड जिसमें नीचे की तरफ आ रही है करंट, इसमें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साइड है सी डी। दो साइड्स मैंने देख ली, इन दो साइड्स के ऊपर फोर्स क्यों लगती है। लुक, इसका मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, इसका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। ये पार्ट, ये साइड थी ए बी और ये है सी डी। देखें जी, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। यहां पे जो ये आ रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे जा रही है,
दोनों की डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड की, साइड ए बी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे सेम बन रही है तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जब यहां फील्ड स्ट्रांग होगा तो ये जो साइड है ए बी इसको ये ऊपर की तरफ पुश करेगा तो फोर्स ऐसे लगेगी ऊपर की तरफ, इसके ऊपर। यहां पे इसको देखें, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर की तरफ है और ये इधर है, ऑपोजिट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। यहां पे ये डायरेक्शन जा रही है, देखिए क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस साइड सीडी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरिया में सेम हो रही है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखे स्ट्रांग हो गया तो इसको नीचे की तरफ वो पुश करेगा, नीचे की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ए बी साइड के ऊपर फोर्स ये क्यों शो की गई है ऊपर की तरफ। यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां वीक है और यहां स्ट्रांग है तो ये ऐसे मूव कर रहा है और उसको ऐसे मूव करना है, फोर्स की डायरेक्शन शो की गई हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि फोर्स कैसे लगती है दो डिफरेंट साइड्स पे जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। हमने बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का वो डिस्कस कर लिया है, अब हम डीसी मोटर की स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। डीसी मोटर की स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनेगी, कंस्ट्रक्शन में आएगा ये। सबसे पहले हमने डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन दिया कि डीसी मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया और वर्किंग प्रिंसिपल के पीछे जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। अब हम डीसी मोटर ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन। डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको नेम दे देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, ये पार्ट है, इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं, स्प्लिट रिंग। ये कार्बन ब्रशेज हैं और बाकी पार्ट्स के बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले ड्रॉ करना सीखें। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद रेक्टेंगल को थोड़ा सा यहाँ से इरेज करेंगे और स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दो लाइंस लगाएंगे छोटी छोटी और इस तरह हम इसके रिंग्स बनाएंगे, ये हाफ रिंग, ये हाफ रिंग। क्योंकि ये हाफ रिंग्स हैं इसलिए हम इनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, स्प्लिट रिंग। और ये सारी जो अरेंजमेंट है कम्यूटेटर, ये मिलके कम्यूटेटर बनाती है। ये लगाएंगी रेक्टेंगल्स बनाई छोटे छोटे, उनमें लाइंस लगा दी, ये कार्बन ब्रशेस बन गए। फिर कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये की लगा दी, स्विच है, ये बैटरी लगा दी, ये पता नहीं क्या लगाया, पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ये है रियोस्टेट, पढ़ेंगे इसके बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमारी डीसी मोटर की स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो गई, अब हम इसको लेबल करते हैं। ये क्या है, यहाँ एरो लगा है नॉर्थ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यहाँ एरो लगा है साउथ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यहाँ एरो लगा है। रेक्टेंगुलर कॉपर कॉयल इंसुलेटेड होती है, ये रेक्टेंगुलर कॉपर कॉयल, इसे लूप ऑफ वायर भी कहते हैं और इसको एक और नेम दिया जाता है आर्मेचर। आर्मेचर का नाम भी इसको दिया जाता है, याद रखिएगा आर्मेचर। ये लेफ्ट स्प्लिट रिंग, ये राइट स्प्लिट रिंग, ये कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश, ये की जैसे स्विच कहते हैं,
ये बैटरी, ये वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट का क्या काम होता है? रियोस्टेट, इसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना। रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करता है। अगर आपने इस कॉइल की रोटेटिंग स्पीड को बढ़ाना है तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये करंट को कंट्रोल करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये करंट ज़्यादा जब इसमें से फ्लो करेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब इसको एडजस्ट करेंगे कम करंट के लिए तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड करते हैं। ये आर्मेचर है, आर्मेचर रोटेट करती है और इस मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है? स्प्लिट रिंग्स, आर्मेचर दोनों साइडों से स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच होते हैं। स्प्लिट रिंग का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। इसका काम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स करना है। बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच, स्विच यहां से करंट जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट। कार्बन ब्रशेस करंट को एंटर करवाते हैं इस कॉइल के अंदर थ्रू स्प्लिट रिंग्स। सो कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड विद कार्बन ब्रशेस टू कंडक्ट द करंट इनटू द कॉइल। रियोस्टेट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। कोई भी पार्ट हो उसका, उसकी फंक्शनैलिटी का पता होना जरूरी है। मैंने हर पार्ट की फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर दी है। ये डीसी मोटर है जी, डीसी मोटर रोटेट कर रही है। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, ये स्प्लिट रिंग है हाफ, यहां से कट किया हुआ है, देखें गैप है। येलो कलर का स्प्लिट रिंग दिखाया गया है और दरमियान में गैप है। जब गैप इससे गुजरता है, जब ये पोजीशन देखें वर्टिकल है, तो यहां गैप्स आते हैं, करंट जो है यहां पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। कैसे होता है हम इसको डिस्कस करते हैं। द गैप बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज सो वाइड, ये जो ब्लैक कलर की लाइन नजर आती है, ये गैप है, ये वाइड होता है। कार्बन ब्रश कैन ओनली टच वन हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग एट एनी टाइम। कार्बन ब्रश नीचे वाला अगर देखें ये यहां से, तो ये हाफ रिंग को एक दफा टच होगा, हाफ रिंग को। ये वाला जो अगर कार्बन ब्रश ऊपर वाले को देखें तो वो भी हाफ रिंग को टच करता है। अगर ये दरमियान में स्प्लिट ना होता, दरमियान में जो गैप है यहां पे इंसुलेटर फिल होता है, अगर ये इंसुलेटर ना होता और कार्बन ब्रशेज सारे के सारे रिंग के ऊपर एक ही दफा टच हो रहे होते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। द गैप बिटवीन द टू हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज सो वाइड, ये स्प्लिट रिंग है, कम्यूटेटर है, ये ब्लैक कलर की छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये वाली जो है वो गैप है। ये इतना वाइड होता है कि ये जो कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जिससे शो किया गया है, ये सिर्फ एक हाफ को टच करते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द कॉइल, प्रोटेक्ट द होल सर्किट। इट ऑल्सो मीन दैट समटाइम्स द मोटर विल नॉट स्टार्ट व्हेन स्विच्ड ऑन। लुक, अगर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये वर्टिकल खड़ी है ऐसे, तो कार्बन ब्रशेज के साथ ये वाला गैप अटैच होगा, ये वाला गैप कार्बन ब्रशेज के और कार्बन ब्रशेज के बिल्कुल अगर ऊपर आ जाए तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है और करंट फ्लो नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये वर्टिकल पोजीशन में खड़ी होती है कॉइल और कार्बन ब्रशेज के साथ ये गैप लगा होता है, ये वाला हम स्विच ऑन करते हैं, गैप की वजह से करंट फ्लो नहीं करता और ये रोटेट नहीं कर पाती। क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि डीसी मोटर को हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट किया, करंट भी जा रही है लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा,
तो उसका मतलब ये होता है कि कार्बन ब्रशेस जो है वो इस गैप के साथ अटैच्ड है। तो रीज़न और भी हो सकती है, वायर भी ख़राब हो सकती है, स्विच भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि स्प्लिट रिंग के दरमियान ये गैप है, और ये गैप दो चीज़ें इंश्योर करता है। नंबर वन कि कार्बन ब्रश सिर्फ हाफ रिंग के साथ अटैच होगा। नंबर टू, अगर कार्बन ब्रश इस गैप के साथ अटैच्ड है तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। करंट जब फ्लो करेगा तो ये रोटेट करेगी। कॉयल रोटेट क्यों करती है? क्योंकि दो फोर्सेस लगती हैं। कॉयल की एक साइड पे आमतौर पे 3 न्यूटन की फोर्स लगती है, और दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है कॉयल का यहां से यहां तक, देखिएगा यहां से लेकर जो दूसरा एंड है, देखते हैं इस एंड से लेकर इस एंड तक जो डिस्टेंस है वो 0.65 मीटर है। जब हम टॉर्क फाइंड करेंगे इस डीसी मोटर का, तो हम फोर्स लेंगे 3 न्यूटन की और डिस्टेंस लेंगे दोनों साइड्स का आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.065। तो ये कपल टॉर्क बनेगा जिसको हम पेपर में सॉल्व भी करेंगे। कपल टॉर्क किसकी इक्वल होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। हमने डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन देख ली, हमने डीसी मोटर के टॉर्क के बारे में पढ़ लिया। अब हम मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जो मैं भी बातें कर रहा था उनको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। When a current flows in the coil, a turning force is exerted according to Fleming's left-hand rule. ये बातें रिपीट हो रही हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि बातें रिपीट हो रही हैं और आपको समझ आ गई है, तो ये बात इंश्योर करती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जब रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी दो साइड्स पे। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। फोर्स कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी ये देखते हैं। टर्निंग फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पोजीशन में, इस पोजीशन में टर्निंग फोर्स मैक्सिमम होगी। टर्निंग फोर्स इस पोजीशन में मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि दरमियान में एक्सल है जिसके इर्द गिर्द इसने रोटेट करना है, तो उसका डिस्टेंस जो है फोर्स का, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे मैक्सिमम होता है। यहां पे फोर्स मैक्सिमम, यहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम, तो इस पे टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम लगता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। जब ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में जाती है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्प्लिट रिंग है उनका कनेक्शन कार्बन ब्रशेस से थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। अब भी फोर्सेस लगती हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है और दूसरी साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द नेट फोर्स एट दिस पोजीशन, व्हेन द पोजीशन ऑफ द कॉइल इज वर्टिकल, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कॉइल विल बी जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर वो नेट फोर्स जीरो है और ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये यहाँ रुकती नहीं है अपने इनर्शिया की वजह से, और ये इस तरह रोटेट करती है इस तरह। एज द कॉइल अप्रोचेज द वर्टिकल पोजीशन, द फोर्स इज स्टिल एक्ट्स अप एंड डाउन ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल, बट नाउ द टर्निंग इफेक्ट इज इफेक्टिवली जीरो। टर्निंग इफेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? ये कम्यूटेटर का कमाल होता है।
जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, कॉइल के साथ साथ घूमता है, और घूमने से क्या डिफरेंस आता है ये यहाँ पे आप थ्योरी नोट करेंगे, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें जी, एक ही साइड लेते हैं येलो, येलो में करंट इस साइड से आ रहा है और स्प्लिट रिंग जो है येलो इस साइड से कनेक्टेड है। जब ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचेगी, ये येलो साइड ऊपर आ जाएगी और ये येलो स्प्लिट रिंग भी ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये येलो स्प्लिट रिंग ऊपर आया, कनेक्शन बिटवीन द स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रशेज क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ तो क्या ये यहाँ रुकेगी, ये यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया था, मोमेंटम था, ये आगे चली जाएगी। जब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो अब ये जो येलो कलर का स्प्लिट रिंग नज़र आ रहा है ये इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो जाएगा। आप देखें कि यहाँ पे येलो इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच था, यहाँ पे येलो इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो गया है। जहाँ पे येलो साइड में करंट नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पे येलो साइड में करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ये है फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर एवरी हाफ साइकिल। हाफ साइकिल यहां हुआ है। अब यहां से दोबारा शुरू करते हैं। येलो इसके साथ अटैच्ड है, इस वाली साइड के साथ, इस कार्बन ब्रश के साथ। जब वर्टिकल पोजीशन में जाएगी तो क्या होगा, येलो नीचे की तरफ हो जाएगा, फिर कनेक्शन ब्रेक हुआ, अब येलो दोबारा इधर आ गया। यहां से लेकर यहां तक पूरा एक पूरी रोटेशन कंप्लीट हुई है। डायरेक्शन ऑफ करंट दो दफा रिवर्स हुई है। तो इस तरह कम्यूटेटर काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं कार्बन ब्रश इसको वन कर देता हूं, कार्बन ब्रश वन, और इसको कार्बन ब्रश टू कर देता हूं, ये येलो कलर है, येलो कलर की साइड को देखें, येलो कलर की साइड कार्बन ब्रश वन से अटैच्ड है, यहां येलो कलर की साइड कार्बन ब्रश के साथ कोई अटैच नहीं है, कनेक्शन ब्रेक हुआ, यहां येलो कलर की साइड कार्बन ब्रश टू के साथ अटैच है। तो ये वन है, ये टू है कार्बन ब्रश, ये वन कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश टू। यहां पे येलो कलर की साइड कार्बन ब्रश वन के साथ अटैच है और यहां पे हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद येलो कलर की साइड कार्बन ब्रश टू के साथ अटैच है। कमाल कर गया ये कम्यूटेटर, जो क्या कर गया, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा गया। तो कम्यूटेटर की फंक्शनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है कि वो क्या करता है, वो कार्बन ब्रश के साथ स्प्लिट रिंग का कनेक्शन एवरी हाफ साइकिल में चेंज करता है, जिसकी वजह से हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है। इस डिफरेंट पोजीशंस को आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने की ट्राई करें तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं। अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो था कि डीसी मोटर होती क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और वो किस तरह रोटेट करती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल कॉन्टिन्यूसली रोटेशन किस तरह होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह रिवर्स होती है। जी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, और दोबारा एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, वर्टिकल पोजीशन और ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ। ये जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा है, ये डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के ऊपर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर काम करता है, यानी रेक्टेंगुलर कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो रोटेट करती है और हर रोटेशन के हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। जी, द लाउड स्पीकर भी इसी पे काम करता है और मोटर भी इसी पे काम करती है, इसी प्रिंसिपल पे।
इन तीनों का प्रिंसिपल और है और सेम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी। आपकी टेक्स्ट बुक में ये फिगर बनी हुई है, मैं इस फिगर को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इस फिगर से रिलेटेड जो आपके कैम्ब्रिज के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। ये बुक है, इसका टॉपिक 22 और टॉपिक 22 में डीसी मोटर की ये फिगर बनी हुई है, हम इसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ये कार्बन ब्रशेज आगे बने हुए हैं आपके सामने हैं, ये स्प्लिट रिंग, ये भी स्प्लिट रिंग, करंट जा रही है इस साइड से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और करंट ऐसे आके फिर सर्किट से बाहर आ रही है। हम साइड ए बी पे फोर्स देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में लगेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ ये है जी। डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ ये है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और ये स्ट्रेच थंब डाउनवर्ड, ए बी साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, दूसरी साइड सी डी है उस पर फोर्स लगनी है, इस साइड पे और इस साइड पे तो फोर्स लग रही नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर फोर्स क्यों कैसे लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, स्ट्रेच थंब किस तरफ है अपवर्ड, तो सी डी साइड पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। आपकी बुक में इसी को एक्सप्लेन किया गया है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूं। सपोज देयर इज अ स्टिफ लूप ऑफ कॉपर वायर ए बी सी डी हैज बीन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्लिट रिंग्स आर अटैच्ड विद इट, कार्बन ब्रशेज आर ऑल्सो अटैच्ड विद इट, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इन साइड द लूप, द डायरेक्शन ऑफ करंट अलॉन्ग साइड ए बी इज अपवर्ड व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ करंट अलॉन्ग साइड सी डी विल बी डाउनवर्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन अलॉन्ग द साइड ए बी विल बी डाउनवर्ड एंड इधर फोर्स अपवर्ड थी डाउनवर्ड थी डाउनवर्ड एंड द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग सी डी साइड, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ पोल है। देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, फोर्स अपवर्ड, सो टू फोर्सेज विल एक्ट अलॉन्ग टू डिफरेंट साइड एंड दीज टू फोर्सेज विल मेक अ कपल एंड द टर्निंग इफेक्ट विल प्रोड्यूस इन द कॉयल, when the coil will move at vertical position the connection will break there and when it will rotate again will come to horizontal position, commutator will reverse the direction of current, us reversal of direction of current ki wajah se direction of forces bhi reverse ho jayengi aur is tarah ye jo loop hai ye continuously rotate karti rahegi। question dekhen ji, state the direction of movement of side AB and side CD, AB downwards, CD upward। ये आपकी बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो गया, मजीद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करते हैं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ डायरेक्शन, आपने कहा कि इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगनी है और इस साइड पे अपवर्ड फोर्स लगनी है, इसकी रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, बताइएगा जरा रीजन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही इसकी रीजन है जिसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वर्टिकल पोजीशन है, देख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन पे गैप आ गया है स्प्लिट रिंग,
और कार्बन ब्रशेस के दरमियान। अब वर्टिकल पोजीशन से जैसे ही ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी तो ये वाला जो स्प्लिट रिंग है यहाँ अटैच हो जाएगा और ये वाला स्प्लिट रिंग यहाँ अटैच हो जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन है जी, व्हेन द कॉइल ए बी सी डी इज वर्टिकल द ब्रशेस लाइन अप विद द गैप्स इन द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। गैप आ जाता है, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है ये गैप आया हुआ है। क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। द कॉइल रोटेट्स पास्ट द वर्टिकल पोजिशन, कॉइल इस वर्टिकल पोजिशन से और आगे जाती है तो क्या होता है, हमने देखना है व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द कॉइल। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो फोर्स ए बी साइड पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी वो अपवर्ड एक्ट करना शुरू कर देती है और इस साइड वाली जो अपवर्ड थी वो डाउनवर्ड हो जाती है। जी ये देखें कंप्लीट क्वेश्चन है। द कार्बन ब्रशेज मस्ट नॉट बी अलाउड टू टच बोथ हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एट द सेम टाइम। ये देखें, हाफ नीचे वाले से ये कनेक्टेड होता है और एक दफा वो कनेक्टेड होता है ऊपर वाले से, दोनों पूरे के पूरे स्प्लिट रिंग से, पूरे के पूरे रिंग से एक ही दफा अटैच क्यों नहीं होते। अगर हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ये गैप जरूरी है। हम इनको प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। Sometimes the motor does not start when switched on, even if there is no friction. बिल्कुल हो सकता है कॉयल वर्टिकल पोजिशन में हो और कार्बन ब्रशेज के साथ ये वाले गैप्स जो हैं ये अटैच हों, कार्बन ब्रशेज का कॉन्टैक्ट स्प्लिट रिंग के साथ ना हो, हो सकता है। इसी वजह से क्या होता है, स्विच ऑन करने के बावजूद भी ये डीसी मोटर जो है काम नहीं करती, स्टार्ट नहीं होती। क्वेश्चंस, वही वाली फिगर जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं इसके अंदर, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, एक फोर्स ले लेते हैं और फोर्सेस के दरमियान में डिस्टेंस ले लेते हैं। फोर्स एक की वैल्यू 3.0 न्यूटन होती है और डिस्टेंस जो है वो हम आगे देखते हैं 0 point something होता है, वो देख लेते हैं हम कितना होता है जी, 0.65 मीटर। ये डिस्टेंस होगा 0.65 डिस्टेंस के बारे में हम कंफर्म करते हैं, 0.065 है, ठीक हो गया मीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है कॉयल के अंदर। एक्सप्लेन व्हाई द मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द कॉयल इज हॉरिजॉन्टल। जब कॉयल हॉरिजॉन्टल होती है तो जो डिस्टेंस है बिटवीन फोर्सेस और डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सल फीवर्ड वो मैक्सिमम होता है, इसलिए टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम होता है। टर्निंग इफेक्ट चेंज होता रहता है कि नहीं, डिस्टेंस चेंज हो तो चेंज होता है, अदरवाइज टर्निंग इफेक्ट चेंज नहीं होता। कि यहां पे देखें, एक फोर्स इस साइड पे लगे, लेट्स सपोज एक साइड एक डायरेक्शन में और इस साइड पे दूसरी डायरेक्शन में, फोर्स को और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कंफर्म है, इस डिस्टेंस को आपने याद रखना है। जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है रेक्टेंगुलर कॉयल के अंदर उसका फार्मूला है BIL sin थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है,
फॉर द टाइम बीइंग आपने फार्मूला याद रखना है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हम परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग रख देंगे तो टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, आई फॉर करंट, अगर कॉयल में से गुजरने वाला करंट बढ़ा देंगे तो टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, एल फॉर लेंथ, लूप अगर ऐसे लूप बना देंगे, ये देखें वायर के जब लूप बन जाते हैं तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है और थोड़ी सी जगह पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जाए तो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर कॉयल के ऊपर लगने वाली फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है और टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे लिए तो समझ लें कि डीसी मोटर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और अगर इन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आता है क्वेश्चंस के अंदर तो इसका मतलब है आपको ये लेक्चर दोबारा सुनने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं। अब द डायग्राम शोज अ कॉयल इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द कॉयल इज अ पार्ट ऑफ डीसी मोटर व्हाट मस्ट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के साथ कौन कनेक्ट होना चाहिए, जी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, यहां स्प्लिट रिंग लगने थे उसके बाद कार्बन ब्रश लगने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन है द डायग्राम शो द टू पोल सिंगल कॉयल इलेक्ट्रिक मोटर नॉर्थ पोल साउथ पोल, सिंगल कॉयल है और ये स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द करंट इन द कॉयल एज इट रोटेट्स, हाउ मेनी टाइम्स इज द करंट रिवर्स इफ द साइकिल इज रोटेटेड वंस, एक दफा रोटेट हो हाफ साइकिल हो तो कितनी दफा, पूरा आपका पूरा कंप्लीट साइकिल हो तो दो दफा रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन रिवर्सल ऑफ करंट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा हाफ साइकिल में और दूसरी दफा दोबारा दूसरे हाफ साइकिल में दो दफा करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। बट इज द पार्ट ऑफ डीसी मोटर दैट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉयल एवरी हाफ साइकिल, कौन सा पार्ट होता है जी, आर्मेचर, आर्मेचर तो रेक्टेंगुलर कॉयल को कहते हैं, ब्रशेस, ब्रशेस तो करंट इनसाइड मूव कराते हैं और आउटसाइड, कम्यूटेटर, यस कम्यूटेटर पूरे का पूरा स्प्लिट रिंग्स की आगे जो मुकम्मल अरेंजमेंट्स हैं वो कम्यूटेटर कहलाता है, तो मेन पार्ट कम्यूटेटर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हमने फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, द साइज ऑफ द करंट इफेक्ट करता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉयल, जहां डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई, द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल बिल्कुल लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इफेक्ट करती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इफेक्ट नहीं करती, यही वजह है कि हाफ साइकिल के बाद जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है तो टर्निंग इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता जी। इसके साथ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हमने कनेक्ट करना है, क्वेश्चन था क्या कनेक्ट करना है, एक्स और वाई, सिर्फ स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग में फर्क है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर द कॉयल इज वाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, मैंने बताया है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है जी, किस केस में, विच सिंगल कॉयल मोटर विल हैव द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट, जिसमें करंट ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, जिसमें आयरन कोर होगा, मैंने आपको बताया है कि टर्निंग इफेक्ट को ज्यादा करने के कितने तरीके हैं, ये लास्ट वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, ये पूरे के पूरे मेरे लेक्चर्स को सम अप करता है,
और इसका आंसर देखिएगा, हाउ मैनी ऑफ दीज चेंजेस मेक द क्वायर रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी कौन कितनी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं? टू। ये पूरे की पूरी आप स्लाइड रीड करेंगे, ये मेरे लेक्चर को सम अप कर रही है। क्वेश्चन है कि अगर स्प्लिट रिंग कॉमुटेटर ना लगा हुआ हो तो क्या होगा? इट जो क्वाइल है वो वर्टिकल पोजीशन तक तो जाएगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगी। अगर कॉमुटेटर को हटा दिया जाए तो क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर क्वाइल वर्टिकल पोजीशन तक तो जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आगे कॉन्टिन्यूसली रोटेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होना ज़रूरी है, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट कॉमुटेटर ही चेंज करता है। थैंक यू।